आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी आर एजुकेशन में। और आज आपको पता है राजनीतिक विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस है उसका एग्जाम हो चुका है पीसी फर्स्ट ग्रेड की ओर से। उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो क्या रह सकती है, अंदाजा पिछली बार से ज्यादा का है आपको कि पेपर हार्ड है? पेपर तो बिल्कुल हार्ड आया था, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्यों कम रहेगी वो भी हम बात डिस्कस है वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए मैं देखते हैं कंप्लीट क्यों हार्ड ज्यादा है वो रहेगी। क्या हुआ, 1 मिनट, चलो ठीक है, क्यों ज्यादा रहेगी ये आपकी पिछली कट ऑफ है। ज्यादा रहने का मतलब पिछली बार हमेशा पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ आपको मैं बताऊं 300 के लमसम देखने को मिलती है, लेकिन पिछली बार ये बहुत हार्ड पेपर आया था जिसमें 220 चली गई थी। इतनी कम कट ऑफ कभी भी नहीं गई पॉलिटिकल साइंस की आज तक के रिकॉर्ड में जितनी पिछली बार गई थी। अब उससे हार्ड और क्या होगा, तो मार्क तो ज्यादा जाएगी। पहली बात तो सीधी सीधी है कि एक तो 40% इस बार करने का दायरा तो वो करना होगा, तो पॉलिटिकल फर्स्ट पेपर में मायने रखता है पॉलिटिकल, लेकिन फर्स्ट पेपर आज बड़ा इजी आया था जिस वजह से इस पेपर के अंदर 40% आराम से सभी विद्यार्थियों ने वो कर लिया। पिछली बार जो फर्स्ट पेपर है उसमें के अंदर भी इनका सही नहीं हुआ, पॉलिटिकल का पेपर बहुत बड़ा ही खतरनाक आया था। इस बार आया ऐसा ही स्तर पिछली बार तर वैसा ही था, लेकिन इस बार फर्स्ट पेपर थोड़ा सा इजी आने की वजह से उसकी वजह से मेरिट थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। तो बात करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, यहाँ पर हम जो मेरिट जनरल बेस पे, ये मेल है ये फीमेल है, तो मेल फीमेल की 1 नंबर का फर्क था तो हम बात करेंगे। ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, ये 230 नंबर, ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी लेकिन 230 नंबर तक, हो सकता है 240 भी, लेकिन 230 एक स्कोर रहेगा आपका नंबर की दृष्टि से जनरल कैटेगरी में। तो वीडियो कैटेगरी के हैं उनकी बात करूं 118.86 थे, तो लेकिन इसको कहूं तो 180 नंबर तो लाने इस बार जरूरी है, ये पात्र ही नहीं हो पाएंगे अगर ये मेरिट नहीं रही, 180 तो रखनी ही पड़ेगी। डिवोर्स वाले हैं इनकी 200 इस बार देखने को मिल जाएगी आपको। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ रही थी उसकी बात अपने कर लेते हैं, हमने जनरल की भी बात की, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस की 202 गई थी, इस बार यही कट ऑफ आपको 210 मार्क्स है वो देखने को मिल जाएगी मेल और फीमेल। तो विडो और ये कैटेगरी जो पिछली बार रही थी लेकिन 180 मार्क्स इस बार लाने इन दोनों के लिए अनिवार्य हो चुके हैं। और डिवोर्स वाली आपको 190 तक मिल जाएगी आपको कट ऑफ। और एससी की बात करें, एससी को आप 35% चाहिए, इनको 35% नंबर चाहिए, 160 नंबर लाने जरूरी है। पिछली बार की बहुत ही नीचे कट ऑफ रही थी, यही कट ऑफ इन्हीं को भी 190 के करीब कट ऑफ वो देखने को मिलेगी आपको। पिछली बार बहुत लो गई थी पेपर, पिछली बार का भी बड़ा ही उमदा आया था और इस बार भी बड़ा ही खतरनाक पेपर आया। और जो विडो कैटेगरी है, विडो कैटेगरी के अंदर वो इन दोनों कैटेगरी के अंदर 160 नंबर लाने तो जरूरी है, ये कट ऑफ तो रहेगी इनकी जो पिछली बार रही थी, इनसे ऊपर तो लानी होंगे इनको, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एसटी कैटेगरी के अंदर भी वही है, 167 और 165 लाए थे, 160 लाने जरूरी है, 180 के लमसम दोनों को कट ऑफ बीच रह सकती है। और फीमेल की है वो 170 भी रह सकती है, 10 नंबर कम भी मान सकते हैं इनकी। जो विडो कैटेगरी है, विडो कैटेगरी के अंदर 160 तो इनको लाने पड़ेंगे, नहीं तो पात्र ही नहीं होंगे, इनको भी 160 तो लाने ही होंगे नहीं तो पात्र नहीं होंगे, ये मेरिट तो इनकी रहेगी, तो इनकी तो ऐसे ही बढ़नी है। ओबीसी कैंडिडेट जिसके अंदर सबसे ज्यादा कैंडिडेट देखने को मिल सकते हैं आपको, इसमें जनरल कैटेगरी की 212 रही थी, इस बार ये 220 के आसपास रहेगी, मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ 1 नंबर का फर्क था, इसका कोई वो नहीं है कि 220 के करीब यहाँ, तो 219 रह सकती है लेकिन 220 मान के चले हैं कि वो जो विडो कैटेगरी है उनको 180 लाने ही पड़ेंगे, तो ये तो यहाँ पर पात्र ही नहीं होंगे अगर इतने मार्क्स आपके आए हैं तो। और 184 हैं उनको बताऊं तो इनको 190 या 95 के करीब इनकी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एमबीसी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एमबीसी की है, तो एमबीसी के अंदर जो 180 तो लाने ही होते हैं और कट ऑफ यही आपको 205 के करीब देखने को मिल जाएगी। और बात करें तो, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर बात करूँ तो 195 के आसपास देखने को मिल जाएगी आपको। और जो विडो कैटेगरी है तो आपको 180 तो लाने ही होंगे, नहीं तो आप ऐसे ही बाहर हो जाओगे, ये इतने नंबर से नहीं रहेगी। और अक्सर सर्विसमैन है तो 180 मानना हो, मान के चलो सबकी इनकी 180 प्लस अगर लेके आते हैं तो इन तीनों में इनका सिलेक्शन, ये क्राइटेरिया तो भी इनको भी पूरा ही करना पड़ेगा।
नए इनकी पोस्टें जनरल में चली जाएगी। तो ये थी अपने पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ थी, वो कट ऑफ हमने यहाँ पर देखी है। अगर लगे कि वाकई में सही है तो आप जरूर अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपके दोनों अलग अलग पेपरों में कितने बने हैं और किस कैटेगरी से आप हो, वो भी कमेंट में करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।